हेलो बच्चों, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इन दिस इन दिस इज द टॉपिक विच इज यूज टू फाइंड आउट और द करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग एनी कॉम्पोनेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज गैल्वेनोमीटर, द सेकेंड टॉपिक इज एमीमीटर एंड द थर्ड टॉपिक इज वोल्टमीटर. तो नाउ हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं गैल्वेनोमीटर. What is galvanometer and what is the use of galvanometer? Galvanometer के बारे में how it is made ये हम लोग पढ़ेंगे इसे next fourth chapter में. इस chapter में हम लोग galvanometer कैसे बनता है ये हम लोग नहीं discuss करेंगे. हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये discuss करेंगे कि galvanometer को use कैसे करते हैं हम लोग circuit में. इसके अलावा हम लोग कुछ भी use नहीं कुछ और भी नहीं पढ़ेंगे. अब जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि galvanometer मैंने यहाँ बनाया है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक मिडिल में निडल है. ये एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है. इसमें एक मिडिल में निडल है और ये निडल, इसके बाद दो टर्मिनल होते हैं, एक पे पॉजिटिव बना होता है और एक पे नेगेटिव बना होता है. अब हम लोग इसको सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं. तो जब भी इस गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो और सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही होती है तो ये जो निडल है या तो ये राइट में या तो ये लेफ्ट में डिफ्लेक्शन करेगा. तो अगर ये डिफ्लेक्शन शो करता है दैट मीन्स देयर इज सम करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट. अगर ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है डेट मीन्स अगर ये मिडिल में ही बना रहता है, यहाँ मिडिल में जीरो है, ये जीरो पे बना रहता है और यहाँ पे 30 डिवीजन है सपोज, तो ये जीरो पे बना रहता है डेट मीन्स देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट. और ये अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करे, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, तो मान लीजिए वो इतना डिफ्लेक्शन इसने शो किया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, तो भी इसमें कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है. अब जिससे जो ये 30 डिवीजन बना होता है, अगर इतनी इसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाए तो इससे ज्यादा का डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा ये. अगर मान लीजिए करंट इससे ज्यादा फ्लो कर रही होगी तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा ये बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो इससे बचाने के लिए हम लोग हमेशा इससे जो मैक्सिमम रीडिंग होती है उससे कम की ही इसमें करंट फ्लो कराते हैं, जिससे कि गैल्वेनोमीटर हमारा खराब ना हो. ठीक, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा व्हाट इज गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट. और फिर क्वेश्चन आता है हाउ इट इज मेजर. इट इज मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट विद डिफ्लेक्शन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर इज. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर. टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर. नंबर वन इज मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर एंड द नंबर टू इज द मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर. इन अवर कोर्स एंड इन अवर सिलेबस only the first type of galvanometer is kept. The second type of galvanometer is not studied in class 12th. Okay. Now next point. The next point is in DC circuit, mainly in the DC circuit, the point number D. The in DC circuit mainly moving coil galvanometer is used. In DC circuit mainly moving coil galvanometer is used. And in the circuit symbol, the moving coil galvanometer is shown by this representation. Okay, where G is the resistance of the galvanometer. G is resistance of galvanometer. Next, now there are some specific terms related to galvanometer. The first term is called IG. IG is called a full scale deflection current. Full scale deflection current. What is its mean? The full scale deflection current means, suppose this is a diagram of the galvanometer. Okay, this is a diagram of a galvanometer and there is a needle in the middle. This is zero and there is some divisions are there, the both side of the needle, and this is 30th division and this is another 30th division. The left hand side and right hand side both have the 30th division. Okay, now when the and this is the two terminals, the first terminal is positive and the second terminal is negative. When the current is flowing in this galvanometer, then the needle shows a deflection, and when the magnitude of current is increasing, then it shows more deflection. This is alpha angle. As we increase I, the alpha also increases, where alpha is the angle of deflection. Okay, as a particular point, if the alpha reaches
all the needle reaches at 30 degrees, and after the 30 degrees, and if the current increases, then the galvanometer burn up. So therefore, we regulate or we fix the maximum current passing through the galvanometer by IG. Greater than that means इससे ज्यादा करंट इससे पास नहीं होनी चाहिए. आईजी से ज्यादा करंट हमारे इस गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होनी चाहिए. अगर आईजी से ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगी तो हमारा गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ पे आईजी के लिए काम करेंगे. जी क्या है यहाँ पे? जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो दिस इज ओवर एंड वन थिंग इज लेफ्ट. द नेक्स्ट टर्म इज वीजी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द galvanometer. Since IG is the full scale diffraction current and G is the resistance of galvanometer, then the potential difference between the maximum potential difference between the galvanometer is we obtain is IG into G. Okay? This is the maximum potential difference obtained across galvanometer. Okay? दिस इज द एक्रोनेम. अब हम सब जगह पे गैल्वेनोमीटर वर्ड नहीं लिख रहे हैं. अगर हम एक जी लिख के ऊपर सर्कल बना दे रहे हैं, मतलब वहां पे हमने गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है. ये आपको समझना है, इतना आपको समझना होगा. नाउ अब हम लोग ये गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग जो है, हमारे पास वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों बनाए जाते हैं. तो हमारा जो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द एमीटर, एमीमीटर. तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एमीटर. Now the next topic is ammeter. What is ammeter? Ammeter is a device which is used to measure the current in the circuit. ये आपको बहुत अच्छे से समझता है कि अगर सपोज ये हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसको हम लोग एलिमेंट मतलब कोई इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, जैसे रेजिस्टर, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कैपेसिटर, इस तरह की चीजें जिसके अलॉन्ग अक्रॉस हमको करंट निकालना होता है, सर्किट में करंट निकालना है. तो यहाँ पे कोई भी अगर एलिमेंट है और हमें इसके अक्रॉस अगर हमें क्या चाहिए, एक करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि उसके सीरीज, देखिए ये हमने सीरीज में एक यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक सेल होगा जिसके थ्रू ये करंट आ रहा होगा. तो यहाँ पे ये इस तरह से हम लोग काम करते हैं. तो इससे इसीलिए मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट बनाया है, क्या? इट इज डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट, पहले. दूसरा पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ये आपको हमेशा याद रखना है कि रेजिस्टेंस के सीरीज में ही एमीटर को हमेशा कनेक्ट करते हैं, कभी भी उसके पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे, और हमेशा उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे जिसके अक्रॉस हमको करंट चाहिए. जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, ये R1 है और ये R2 है, इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस है ये R3. अब ये इनका एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है. अगर आप एमीटर को कई जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने एमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपने एमीटर को कनेक्ट किया इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर आप एमीटर को कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट में मेन करंट कितनी फ्लो हो रही है वो बताएगा. अगर आप एमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इस जगह पे यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो ये हमको क्या बताएगा कि R1 और R2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो बताएगा. अगर आप R3 के सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे तो R3 में कितनी करंट फ्लो हो रही है तो वो ये बताएगा. तो जिस कंपोनेंट के अक्रॉस आपको पता करना है, वहां पे आप उस मीटर को लगा दीजिए और वो आपको बता देगा कि कितनी करंट उसमें फ्लो हो रही है. सबसे ठीक है, दूसरी बात हो गई. नाउ द थर्ड पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर शुड बी लो एज पॉसिबल. मतलब क्या है इसका कि हमारे पास अगर एक मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कम रखना है, कम से कम रखना है जितना हम रख सकेगा. आइडियल एमीटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए. अगर एक ऐसा एमीटर बनाए जो आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो. ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों ये जीरो होना चाहिए, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे ये दो रेजिस्टेंस है, हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो जो इनका इक्विवेलेंट आता है वो आ जाता है R1 + R2. ठीक है, अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है और हमने इसके सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, और सपोज कर लीजिए कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो आर ए है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा यहाँ से वो आ जाएगा R + RA. मतलब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया सर्किट का. अगर हम लोग अब इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दें इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू दिस, अगर ये नहीं होता, अगर ये वाला एमीटर नहीं होता, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आती, अगर ये EMF E का बैटरी है तो E / R आ जाती. लेकिन अगर
एमीटर में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो हो जाएगी ई अपॉन आर प्लस आर ए, मतलब द प्रेजेंस ऑफ आर ए डिक्रीजेस द नेट करंट इन दी सर्किट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो करंट की रीडिंग आती है वो सही नहीं आती है, वो थोड़ी सी एरर वाली आ जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, जितना हम मिनिमम रख सकते हैं। तो आइडियली हम लोग कहते हैं दोस्तों, हम लोग बोल देते हैं कि उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, पर वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, तो हम लोग तो कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है और समझना है इसको। ठीक है, आपसे एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि व्हेन एन एमीटर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद एन कंपोनेंट देन द करंट मेजर बाय द एमीटर इज करेक्ट वैल्यू और अनकरेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आंसर क्या आएगा कि अगर हम लोग किसी भी सर्किट में मीटर लगाते हैं तो उससे हम लोगों को जो करंट मिलती है वो एक्यूरेट करंट नहीं होती है, वो एक्चुअल करंट नहीं होती है, उस करंट में हमेशा एरर आएगी, बिकॉज जो एमीटर होगा उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से नेट करंट उसमें कम हो जाएगी। तो जो भी करंट हम लोग उसमें मेजर कर रहे होंगे तो कम वाली करंट को मेजर कर रहे होंगे, एक्यूरेट करंट को हम लोग मेजर नहीं कर रहे होंगे। ये एक्यूरेट करंट सिर्फ तब मेजर की जा सकती है जब हमारे पास आइडियल अमीटर हो, और आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी चीज आइडियल तो होती नहीं है, तो हम कभी भी एक्यूरेट करंट प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, थ्योरी के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है कि हाउ वी मेक अमीटर, हम लोग अमीटर बनाते कहते हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पीछे वाले टॉपिक पे पढ़ा, तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग अमीटर को बना सकते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। Now we have a galvanometer whose resistance is G and whose full scale diffraction current is IG. Okay. Now we want to convert it into an ammeter. Okay. तो सोचिए हमारे पास एक galvanometer है जिसका resistance G दिया हुआ है। अगर हमें ammeter में convert करना है तो ammeter होना कैसा चाहिए जिसका resistance कम से कम हो? तो to decrease the resistance, what we do? We connect a small resistance in the parallel of this given galvanometer. If we connect a small resistance, this is the small resistance, this is the small resistance, and we connect this small resistance in the parallel of this given galvanometer, then what happen? आपको पता है, whenever the in parallel combination, if one resistance is small, then smaller than the another resistance, then the resultant is the smaller than the least resistance in the combination. तो यहाँ पे भी यही होगा कि अगर हमारे पास ये दो resistance है जिसमें से G जो है वो आपका galvanometer का resistance है, ये एक बहुत ही small resistance है जिसको हम लोग बोलते हैं S shunt, S for shunt, shunt resistance इसको बोला जाता है। जब भी small resistance हम लोग बात करते हैं तो small resistance के लिए एक term use करते हैं shunt resistance। तो shunt resistance को given galvanometer के parallel में connect कर देंगे तो हमारा ये पूरा combination क्या बन जाएगा? Ammeter। कैसे बनेगा? अभी हम देखते हैं। Now, a galvanometer may be converted into an ammeter by connecting a low resistance called shunt, जैसे मैं आपको पहले बताया है shunt मतलब low resistance होता है, in parallel to the galvanometer, galvanometer मतलब जो given galvanometer है, as above सर्किट डायग्राम। ये हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हमारा गैल्वेनोमीटर को हमने अमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या इसमें आएगा हमारे पास? तो देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी अमीटर की बात करते हैं तो अमीटर में हमको हमेशा रेंज ऑफ अमीटर की बात करेगा, जबकि क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन में आपको हमेशा एक रेंज की बात करेगा कि आप 0 से 10 मिली एम्पियर का एक अमीटर बनाइए, 0 से 30 मिली एम्पियर का बनाइए, 0 से 3 एम्पियर का एक अमीटर बनाइए। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो आई है उसका नाम रख दे रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेंज ऑफ रिक्वायर्ड एमीटर। तो मतलब जो भी हमको यहाँ पे इन्होंने रिक्वायर्ड एमीटर है उसका ये मैक्सिमम लिमिट हो गया। ठीक है, अब आप सोचिए यहाँ पे जो आई जी है वो क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो जब ये आई इस वाले टर्मिनल तक आएगी तो इसके बाद इसको दो पार्ट में स्प्लिट होना होगा, तो जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर आईजी से ज्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा करंट जाएगी तो वो हमारा बर्न अप हो जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर में आईजी चीज चली गई और जो शंट है इसमें से जाएगा रिमेनिंग आई माइनस आईजी करंट। ये आई माइनस आईजी इस रेजिस्टेंस से होते हुए वापस यहां तक जाएगा और ये आईजी गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहां पे आएगी और ये दोनों
करंट आपस में मिलके फिर से आई बनाते हुए आगे चले जाएंगे। अब हमको ये एस की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालें? आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट के बीच में, अगर हम इस पॉइंट को ए दे दें और इस पॉइंट को हम बी दे दें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट आर सेम बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो लिख सकते हैं Now the resistance between the potential difference between a galvanometer is equal to potential difference across shunt. तो यहाँ पे आएगा potential difference across galvanometer is resistance of galvanometer is G and the current in the galvanometer is Ig. Therefore potential difference between galvanometer is Ig into G that is equal to current the potential difference across shunt. What is how to calculate potential difference across shunt? Use volt Ohm's law. Current is I minus Ig and the resistance is F. तो I माइनस आई जी इंटू एफ, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट F, तो ये हो गया आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इज इक्वल टू F. तो नाउ दिस इज योर वैल्यू ऑफ शंट विच इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द गिवन गैल्वेनोमीटर टू मेक इट अप एन एमीटर ऑफ रेंज I. अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये हमारा शंट की वैल्यू आ गई, एस इज द शंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। ओके, अब अगर आप देखें जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और हमने जब इसके अक्रॉस एक शंट लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आया था जी, शंट का रेजिस्टेंस आया हमारे पास एफ, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा जरा सोचिए, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जी एफ अपॉन जी प्लस एस, वेयर जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एफ इज द शंट। इसमें एक चीज और होता है जो नोट करने वाली चीज है कि अगर हम यहां पे जो एफ है उसको हम कम करते जाएं, एफ की वैल्यू को हम कम करते जाएं, तो जो हम लोगों का रेंज है वो बढ़ता जाएगा, तो लिख सकते हैं बाय डिक्रीजिंग एस रेंज ऑफ एमीटर इंक्रीजेस। ये ऐसा इसलिए होगा तो होगा क्योंकि जब आप एस की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो ज्यादा छोटा रेजिस्टेंस होता जाएगा एमीटर का, जब एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा तो वैसे वैसे हम लोग ज्यादा करंट उससे मेजर कर पाएंगे, ज्यादा स्मॉल करंट उससे मेजर कर पाएंगे, इसलिए उसका रेंज बड़ा होता चला जाएगा। तो नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। द क्वेश्चन इज देयर इज अ गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम, द मैक्सिमम करंट विच इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 50 माइक्रो एम्पियर, द रेंज ऑफ द गिवन अमीटर इज रिक्वायर्ड अमीटर इज 0 टू 5 मिली एम्पियर, दिस इज द रेंज, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द रेंज, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ द शंट, मतलब कि हमको शंट की वैल्यू बताना है टू कन्वर्ट इट इनटू द गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है यहाँ पे जी आपको गिवेन है वैसे तो 50 ओम, आई जी भी गिवेन है आपको 50 माइक्रो एम्पियर, आई आपको यहाँ पे दे दिया है, अपर रेंज लेना होता है मुझको तो 50 मिली एम्पियर है, तो इसको ले सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। और यहां से अगर हम इसको देखें तो ये 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर आई जी आ जाएगा, आई जी की वैल्यू आ गई। अब हमको आगे देखना है तो हमको एफ की वैल्यू चाहिए, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एफ, एफ का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, आप इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो आपको दिक्कत कहां होती है वो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आई जी आर जी आप सॉल्व कर लोगे, आई जी की वैल्यू दिया आई जी आर जी नहीं, आई जी की जगह आईजी की जगह पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो जी है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आईजी है 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू जी, तो ठीक है 50 है, आई माइनस आईजी आई की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस आईजी की वैल्यू है 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि करना क्या है। देखिए कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी, जैसे 5 कॉमन हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, मतलब 10 टू दी पावर माइनस 2 ओवरऑल। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई
फाइव इंटू 10 to the power -3, ये माइनस करने पे आएगा 1 -0.01। अब 0.01 को आप माइनस में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.99। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इतना एरर आता है कोई। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको 1 लगेगा काम करेंगे, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये आपका पूरा आ जाएगा 5 × 10 to the power -3, 2500 × 10 to the power -6 divided by 5 × 10 to the power -3। तो 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 5 25, 10 to the power -3 से 10 को -6 कैंसिल हो जाएगा, तो 500 × 10 to the power -3 आएगा या 0.5 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि जब कभी भी जो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म जनरली माइनस करते हैं ना, इस वाले टर्म में ये वाली वैल्यू बहुत छोटी होती है, सेकेंड वैल्यू आईजी इज वेरी स्मॉलर देन द आई हमेशा मैक्सिमम केसेस में, तो उसको इग्नोर कर देते हैं और तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल आंसर होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए आप लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। तो जरा सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ शंट, द वैल्यू ऑफ शंट मीन्स एफ, आपको पहले तो एफ निकालना है, विच पासेस थ्रू 10% ऑफ द मेन करंट, मतलब कि 10% ऑफ मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, मतलब जो आपका आईजी है दिस इज द 10% ऑफ मैक्सिमम करंट थ्रू जी इज इक्वल टू 99 ओम। तो आप इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास I/10। ठीक, अब सो सिंपल क्वेश्चन, IG × G / I − IG आप पढ़ते हैं, तो IG की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई I/10 × 99 / I − IG, आप करेंगे तो ये आ जाएगा 9 I/10। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये आई से ये आई कैंसिल, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 11 ओम। तो ये आपका 11 ओम आंसर आ गया, क्योंकि 11 ओम का रेजिस्टेंस अगर आप इस 99 ओम की गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगा देंगे तो आपका जो आईजी होगा वो 10% ऑफ आई हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आप लोग जब भी कोई हम न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करते हैं तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप पूरा वीडियो एक बार में मत देखिए, आप जैसे वो क्वेश्चन आया आप पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया है या जो भी आपको समझ में आ गया है फिर आप उसके आगे का सोल्यूशन देखिए, फिर सोल्यूशन देखने के बाद अपने सोल्यूशन से उसको मैच करिए, अगर दोनों मैच होता है तो अच्छी बात है और नहीं होता है तो एरर ढूंढिए। इस तरह से अगर आप इस वीडियो को देख के अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक समझेंगे तब तो वीडियो देखने का फायदा है, क्योंकि जो टीचिंग का वीडियो होता है ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह नहीं होता है कि इसमें आप वीडियो को एक बार में शुरू करेंगे और लास्ट तक देखते चले जाएंगे, ये एक ऐसी गलती है जो बच्चे हमेशा करते हैं और इसीलिए उनको टीचिंग वाली वीडियो देखने में बोरियत आती है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल, कंसिडर अ सर्किट एज शोन इन द फिगर, वी वॉन्ट टू मेजर द करंट आई बाय फॉलोइंग सर्किट 1। तो दिस इज योर सर्किट 1, ओके, एंड दिस इज द सर्किट 2। तो हमको पहले सर्किट में एक रेजिस्टेंस दिया है और एक सेल दिया है जिसका ईएमएफ ई है, इसमें हम लोगों ने करंट को मेजर करना है आई। तो ये बहुत सिंपल है, आई यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक सिंगल रेजिस्टेंस है और एक ईएमएफ ई है, E/R, ये आपका आ जाएगा। और फिर आपको दिया गया है इन सेकेंड सर्किट, फॉर दिस वी कनेक्ट एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर ए एज शोन इन द फिगर। हमने क्या किया कि एक दूसरे सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है आर ए। अब कह रहा है कि इन दोनों में कितना परसेंटेज एरर आएगा, तो आपको पता है कि जो सेकेंड वाले सर्किट में करंट आई प्राइम है ये आई प्राइम की वैल्यू होनी चाहिए E/R + RA। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये आर और आर ए दोनों सीरीज में है, अमीटर तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जब दोनों सीरीज में रहेंगे तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएगा और नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा R + RA। तो जो इसके अंदर नेट करंट फ्लो करेगी वो आएगी I′ = E/R + RA। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में डिनोमिनेटर में R है और क्वेश्चन नंबर 2 में डिनोमिनेटर में R + RA है, तो आई की जो वैल्यू होगी ये बड़ी होगी I′ से। तो परसेंटेज एरर निकालना होगा मुझे, तो परसेंटेज एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है
वो आता है डेल्टा आई अपॉन ओरिजिनल आई इंटू 100। आप जब डेल्टा आई की बात करेंगे तो आई माइनस आई प्राइम इंटू आई इंटू 100 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है परसेंटेज एरर, तो ये आपके पास आ जाएगा आई माइनस आई प्राइम, तो ई अपॉन आर माइनस ई अपॉन आर प्लस आर ए डिवाइडेड बाई ई अपॉन आर इंटू 100। तो अब आप जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको कुछ मिलेगा ऐसा, आर ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100, ठीक है। यही आपका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इससे आप लोग परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले देखा आज की गैल्वेनोमीटर क्या होता है, दूसरा देखा कि व्हाट इज अमीटर एंड हाउ वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। नाउ द लास्ट पॉइंट टुडे ऑफ टुडेज लेक्चर इज वोल्ट मीटर। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, टॉपिक पे, जिसका नाम है वोल्ट मीटर। नाउ द टॉपिक इज वोल्ट मीटर। व्हाट इज वोल्ट मीटर? जस्ट लाइक अमीटर, द अमीटर इज यूज टू मेजर द करंट इन द एलिमेंट, वेयर एज द वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ द सर्किट एलिमेंट? सपोज दिस इज अ रेजिस्टेंस आर एंड वी कनेक्ट अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस रेजिस्टेंस, देन वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन द पैरेलल ऑफ द रेजिस्टेंस आर सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी इज मेजर्ड बाय इट। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है मुझको कि वोल्ट मीटर जो है वो क्या है, इस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस है। और इसको कैसे लगाते हैं? इसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, किसके, जिस भी सर्किट के एलिमेंट के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होता है उस सर्किट एलिमेंट के दो टर्मिनल लेते हैं और उन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग उस वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हमने बता दिया, वोल्ट मीटर इज पुट इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट अक्रॉस व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। नाउ द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस तो हमको मालूम है कि पैरेलल में कम हो जाता है। तो जब पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो, और अगर हमारे पास जो ये वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा सर्किट का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं पास होनी चाहिए, नो करंट इज ड्रॉन या नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वोल्ट मीटर। तो उसके लिए जरूरी है कि अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो अमीटर है, जो वोल्ट मीटर है, तो वो एक्यूरेट रीडिंग देता है। अब आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेंगे जहां पे उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी आइडियल नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर में हमारे पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ रहा होता है और इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर की वजह से हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे होते हैं ना वोल्ट मीटर में, ये भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा होता है, ये कुछ कम वैल्यू दे रहा होता है। जैसे अमीटर में हमने देखा था कि अमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से अमीटर भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा था, उसमें एरर आ रहा था। इसी तरह से वोल्ट मीटर में भी रेजिस्टेंस होता है और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वजह से जो हमको रीडिंग मिल रही होती है वो फाइनल रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग नहीं होती है, उस रीडिंग में कोई ना कोई एरर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमने फोर्थ पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज लेसर देन ट्रू वैल्यू बिकॉज द प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर हैड फाइनाइट रेजिस्टेंस सो दैट सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ पे ये इतना पोर्शन है, ये ई अलग है, ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये हमको पता, यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि अगर वोल्ट मीटर है तो उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से जो वो रीडिंग दे रहा होता है वो रीडिंग करेक्ट रीडिंग नहीं होती है, वो एक्यूरेट रीडिंग से कुछ कम वोल्टेज यहाँ पे मेजर कर रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि जैसे गैल्वेनोमीटर से हम लोग अमीटर बना सकते हैं, एकदम उसी तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं अब हमारा वो अगला टॉपिक है। नाउ वी हैव अ गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज जी एंड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज आई जी। नाउ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इन टू वोल्ट मीटर। अब क्वेश्चन उठता है हाउ वी कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इन टू वोल्ट मीटर। तो ये आपने पीछे एक छोटा सा टॉपिक आपने देखा, पॉइंट था जहां पे लिखा था द गैल्वेनोमीटर हैज लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, द वोल्ट मीटर हैज लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, सॉरी गलती हो गया, द वोल्ट मीटर हैज लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। लार्जेस्ट मतलब कितना,
इनफाइनाइट के रेजिस्टेंस होना चाहिए इन केस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। तो अगर हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है, तो अगर हम उसका रेजिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट तक ले जाएं, देन द गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। सो दैट अब हमको इनफाइनाइट करने के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते कभी भी, क्योंकि इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कोई लार्ज रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, ये हमारा क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमने लिख दिया, द टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर। तो हम लोग जैसे फिगर में बनाया गया है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस आर बना दिया, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, वोल्ट मीटर। इस रेजिस्टेंस की आर क्या वैल्यू कितनी होगी कि जिसको लगाने से हमको ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए प्रोसेस है, वो हम प्रोसेस देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर है, सपोज कर लीजिए दिस इज अ गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज जी, हमने इसके पैर सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है मुझको यहाँ पे कि जो ये रेजिस्टेंस आर यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, ये सीरीज में है, तो हमको पता है कि जो मैक्सिमम करंट हमारे पास गैल्वेनोमीटर में जाती है वो जाती है आईजी, तो वही करंट जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस आर में भी। अब हमारे हमको क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा कि आपको कितने वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, सपोज हमको 0 से लेके V वोल्ट तक के रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट जीरो टू वी वोल्ट वोल्ट मीटर। तो जो यहां पे आप देख रहे हैं जो वी है, वो वी क्या है, अपर लिमिट ऑफ रेंज, अपर लिमिट ऑफ रिक्वायर्ड रेंज, ये हम लोगों का वी हो गया। अब बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक जी है और एक आर है, और उसमें आई जी करंट जा रही है, तो यहां से हम लोग किरचॉफ लॉ लगा के वी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर लिख सकते हैं। हमको चाहिए क्या, आर की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा वी अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर, तो आर इज इक्वल टू हो गया वी अपॉन आई जी माइनस जी। ये हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, उसकी वैल्यू ये आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू हो गई, मतलब हम लोग अगर आर ओम का एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की सीरीज में लगा दें, तो ये होल डिवाइस कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी। अब हम इसे रेजिस्टेंस की वैल्यू में अगर हम लोग ध्यान से समझें, हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिख पढ़ा था पीछे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज, तो वो आया था आई जी इंटू जी, ये आपको याद होगा। तो यहां से आई जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगा वी जी अपॉन जी, इसको उठा के अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख दें, तो यहाँ पे आएगा आर इज इक्वल टू वी अपॉन वी जी इंटू जी माइनस जी, जी को कॉमन कर ले, तो ये हो गया वी अपॉन वी जी -1। तो कभी कभी ये वाला भी इक्वेशन काम में आ जाता है लगाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से नोट एक और हम लोगों को इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस आर हमने लगाया, और अगर हम उस आर की वैल्यू को बढ़ाते जाए, ठीक है, जितना ज्यादा आर की वैल्यू होगी तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर का रेंज है वो बढ़ता जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग आर, जो कि एक्सटर्नल अलग से हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो है ये आर, देन रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इंक्रीजेस। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर का भी टॉपिक खत्म होता है। तो अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि समझ में आए कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो नाउ ये आपका पहला कोई एग्जांपल है जिसमें हमको बोला गया कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका 5 ओम रेजिस्टेंस है, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 5 माइक्रो एम्पियर है, हमको चाहिए कि एक ऐसा रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगा दें जिससे कि जो उसका रेंज है वो 0 से 5 वोल्ट बन जाए। ठीक है, तो हमको आर की वैल्यू पता करनी है।
तो आपको सब कुछ मालूम है, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है आर का, वो फॉर्मूला है वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो यहाँ पे आप वी की जगह पर रख देंगे 5, आई जी की जगह पर रख देंगे 50 माइक्रो एम्पियर, और ये 5 वोल्ट होगा, ठीक है। और जी की जगह पर रख देंगे 5 ओम, 50 ओम सॉरी। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 अपॉन 50 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर -6, -50, तो -6 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10 टू दी पावर 6 अपॉन 50 -50। इसको सॉल्व करिए, तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये इसे कैंसिल करेंगे 10, तो ये हो गया 10 टू दी पावर 5 -50, ये कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 10 टू दी पावर 5 जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है 50 से, तो हम इस 50 को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 10 टू दी पावर 5 ओम, या इसको अगर हम लोग और अच्छा लिखना चाहें तो यह आ जाएगा 100 किलो ओम। तो ये इतने ओम का रेजिस्टेंस अगर हम लोग इस गिवन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दे, सीरीज में लगा देंगे, तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होगा वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से पॉज करके पढ़िए। द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिविजन। द गैल्वेनोमीटर हैज करंट सेंसिटिविटी 10 डिविजन पर मिली एम्पियर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिविजन पर मिली वोल्ट। हाउ कैन द गैल्वेनोमीटर बी डिजाइंड टू रीड 6 एम्पियर पर डिविजन एंड 1 वोल्ट पर डिविजन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है। आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, और फिर इसके बाद इसके सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है। टर्म्स टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन। देखिए यहाँ पे आपको दिया है द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इंटू 150 इक्वल डिविजन, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में टोटल नंबर ऑफ डिविजन क्या है। अब जब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन, तो बीच में 0 होता है, ठीक है। 0 के एक साइड पे बात करते हैं, दोनों तरफ बात नहीं करते। जैसे 150 मतलब 0 होगा, और 0 के राइट पे 150 होंगे, 0 के लेफ्ट पे 150 होंगे, तब जाके टोटल टोटल कितने होंगे, 300 डिविजन, ठीक है। तो ये आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जब भी इस तरह से दिया रहता है तो आप क्या करें, इसको हाफ कर दे, नहीं। जब भी हम लोग को कभी भी दिया रहेगा गैल्वेनोमीटर स्केल में डिविजन, तो वो 0 से राइट में भी उतने होते हैं, 0 से लेफ्ट में भी उतने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 150 डिवीजन हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं टोटल, 150 डिवीजन डिव। अब उसके बाद एक जो दूसरा टर्म यूज कर रहा है, दैट गैल्वेनोमीटर हैज करंट सेंसिटिविटी, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का जो यूनिट है वो है डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर को करंट मेजर करने में कितने डिवीजन यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलना करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह से 1 मिली वोल्ट को मेजर करने में जो जितने नंबर ऑफ डिवीजन को यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आप लोग लिख लीजिए करंट सेंसिटिविटी इज 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी सेंस लिख दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। वैसे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए सिंबल यूज करते हैं IS और VS, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं है। 2 मिली वोल्ट मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं IS, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए VS, ठीक है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए आपको यहां पे बताया जा रहा है कि 1 मिली एम्पियर को मेजर करने के लिए 10 डिवीजन यूज किया गया है। जरा बताइए अगर हम लोग पूरे 150 डिवीजन में बात करें तो हाउ मच मिली एम्पियर मेजर्ड इन व्हेन द डिफ्लेक्शन इज 150 डिवीजन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं IG। तो हम लोग ये जो नंबर ऑफ डिवीजन और जो ये करंट सेंसिटिविटी है इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं, कैसे। इसका फॉर्मूला होता है डिवीजन्स डिवाइडेड बाई करंट सेंसिटिविटी। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास जरा सोचिए, डिवीजन है 115 और IS की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 15 मिली एम्पियर, मतलब हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू आ गई। और यही हमको चाहिए था, क्यों हमको ये चाहिए था, क्योंकि हमको यहाँ पे
गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास आईजी के बिना लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी हमको हमारे हमारे पास नहीं दिया है, तो रेजिस्टेंस भी निकालना होगा, ठीक है। इसी तरह से आप जरा देखिए, हमको वोल्टेज सेंसिटिविटी दी है, तो हम लोग वीजी निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर व्हेन आईजी इज पासेस थ्रू इट। तो यहां पे आएगा हमारे पास डिवीजन अपॉन वी एस। तो डिवीजन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 150 है, और वी एस की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये आ जाएगा 75 मिली वोल्ट, ठीक है। अब हमको चाहिए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, तो जी इज इक्वल टू लगा लेंगे वी जी अपॉन आई जी। कैसे लगा लेंगे वी जी अपॉन आई जी, क्योंकि हमने बोला वी जी इज द करेंट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर व्हेन आई जी इज फ्लोइंग। तो यहाँ पे सिंपल ओम लॉ से हम लोगों ने लगा लिया वी जी अपॉन आई जी, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 15, दिस इज इक्वल टू 5 ओम। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हमको बनाना है पहले अमीटर, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाएं। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेंज। रेंज हमको नहीं दिया क्वेश्चन में, दिया है कैसे, देखो ये 6 एम्पियर पर डिवीजन दिया है, तो मेरे पास कुल कितने डिवीजन है, 150 डिवीजन। तो एक डिवीजन में अगर वो 6 एम्पियर मेजर कर रहा है, तो 150 डिवीजन में कितने एम्पियर को मेजर करेगा, 6 × 150, तो ये कितना आ गया, 900 एम्पियर, ठीक है। आपका आई आ गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए अमीटर। तो अमीटर के केस में मुझको मालूम है कि मुझको शंट निकालना होता है, तो शंट का फॉर्मूला होता है आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब आप सबकी यहां पे वैल्यू रखी है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8.3 × 10⁻⁵ ओम। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस आ गया, जिससे आप गिवन गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप वोल्ट मीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो पहले वोल्ट मीटर का भी रेंज निकालेंगे। तो यहां पे दिया है 1 वोल्ट पर डिवीजन, एक डिवीजन में 1 वोल्ट, तो 150 डिवीजन में 150 वोल्ट, ये हमारे पास आ गया 150 वोल्ट। अब यहां पे हमें क्या निकालना होता है, लार्ज रेजिस्टेंस आर, उसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई जी माइनस जी। इसको आप सॉल्व कर लिए रखे वैल्यू, आप इसके अलावा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जी टाइम्स वी अपॉन वी जी माइनस वन, आप इसको भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से सेम आंसर आता है, ठीक है। तो यहां पे जो इसका आंसर आता है वो आ रहा है यहाँ पे 9995 ओम। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार दोबारा दोबारा लगा के देखिए, और जैसे और जो न्यूमेरिकल है वो भी आप करिए। तो बच्चों आज के लिए हम यहां तक के लिए रखते हैं। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा और कितना क्या नहीं समझ में आया, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं इसको आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। और आप मुझे सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको जो अगला वीडियो मिले तो आपको मालूम चल पाए कि हाँ अगला क्लास कौन सा है। इस तरह से मैं आपको पूरा 12th का हर चैप्टर का इसी तरह से धीमे 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 मैं पढ़ाता जाऊंगा। मेरा टारगेट है कि मैं अक्टूबर तक जो है आपका कोर्स पूरा खत्म कर सकूँ, जो भी सिलेबस है आपके पास, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ रखते हैं। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा पोटेंशियोमीटर, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ओके, बाय बाय।